फ्रेंड्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बेसिक एग्जांपल्स ऑफ परम्यूटेशन, दैट इज मैंने आपको उसी क्लास में बताया था कि देर आर टोटल फोर टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स इन परम्यूटेशंस. फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सम्स, जो हमने फिनिश कर दिया, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज, सब कुछ. उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं वो है डिक्शनरी ऑर्डर. डिक्शनरी ऑर्डर के बाद हम लोग करेंगे रिपीटेड परम्यूटेशंस एंड लास्ट में फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं डिक्शनरी ऑर्डर वाले सम्स. फ्रेंड्स, ये डिक्शनरी ऑर्डर वाले सम्स का लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है? सी फ्रेंड्स, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विदाउट यूजिंग द टेक्निक ऑफ परम्यूटेशन, इट विल लुक लाइक इम्पॉसिबल एग्जाम्पल. बताता हूं मैं आपको कैसे. मान लो कि मैं यहां पर मेरा ही नाम ले रहा हूं, प्रतीक. दे विल आस्क यू कि हम लोग इस जो ये जो अल्फाबेट्स है, पी आर ए टी आई के, ये सारे अल्फाबेट्स के बेसिस पे इसको अलग अलग तरह से अरेंज करके अगर उन सारे वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया जाए. वन मोर टाइम, टोटल कितने अल्फाबेट्स है इसके अंदर? 6 अल्फाबेट है फ्रेंड्स. बाकी के सारे अल्फाबेट्स भूल जाओ, ऐसा मान के चलो अभी के लिए कि हमारे पास इन टोटल ये 6 ही अल्फाबेट है. और इन 6 अल्फाबेट्स को अलग अलग तरह से अगर आप अरेंज करते हो तो कैन आई से डेफिनेटली वी कैन अरेंज 6P6 वेज. एंड 6P6 का सिंप्लीफिकेशन आपको पता होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एंड दैट कम्स टू 720 वर्ड्स वी कैन मेक. ऑब्वियसली फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टारगेट ऐसा नहीं है कि हम लोग मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए. बस हम तो क्या करते हैं, सारे अल्फाबेट्स को जंबल करते हैं एंड वी ट्राई टू मेक एज मेनी एज न्यू वर्ड्स वी कैन मेक. सो हम टोटल कितने वर्ड्स बना पाएंगे? 720 वर्ड्स. अब इन 720 वर्ड्स को अगर हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी अरेंज करें तो फ्रेंड्स, उनका क्वेश्चन है कि प्रतीक वर्ड एग्जैक्टली कौन से रैंक पे आएगा. तो उनका क्वेश्चन क्या है, प्रतीक वर्ड एग्जैक्टली कौन से रैंक पे आएगा? फ्रेंड्स, अगर हमें परम्यूटेशन की टेक्निक ना पता हो तो ये ह्यूमनली इंपॉसिबल लग रहा है, क्योंकि पहले तो 720 वर्ड्स को लिस्ट आउट करो, 720 वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो और वो अरेंजमेंट के बाद काउंट करो, क्योंकि ऑब्वियसली 720 में से वन ऑफ द वर्ड विल बी प्रतीक. तो ये प्रतीक कौन से नंबर पे या कौन से रैंक पे आता है? डोंट नो हाउ टू डू इट. चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसकी टेक्निक. टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत बढ़िया मेथड दिया हुआ है, बहुत लॉजिकल मेथड दिया हुआ है. सेम मेथड हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं. फ्रेंड्स, लेट मी मेक यू अवेयर कि बाहर बहुत सारे शॉर्टकट मेथड वगैरह चल रहे हैं, लेकिन आई स्ट्रांगली फील कि मुझे उसमें थोड़ा सा लॉजिक मिसिंग लग रहा है, एंड दैट इज वाई आई डिनाई यू ऑल नॉट टू यूज दैट मेथड एंड यूज व्हाट टेक्स्ट बुक हैज सजेस्टेड. सी फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक से अलग मेथड हम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमें लॉजिकली कन्विंस करती है तभी वो मेथड यूज करनी चाहिए, ठीक है? अदरवाइज फिर हम लोग टेक्स्ट बुक का ही मेथड यूज करेंगे, ठीक है? मैं आपको ये एक सम दिखाता हूँ. मैं आपको बैक टू बैक 4 या 5 सम करवाने वाला हूँ डिक्शनरी ऑर्डर के. फुल फोकस ओवर हियर. ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और ये 3 मार्क या 4 मार्क्स के अंदर पूछने के लिए मोस्ट आइडियल एग्जाम्पल है और मोस्ट आइडियल टाइप ऑफ एग्जाम्पल है, ठीक है? चलिए हम लोग सम कैसे सॉल्व करने वाले हैं. देखिए फ्रेंड्स, टोटल 720 वर्ड्स होते हैं, वो हमें आंसर में कहीं दिखाना नहीं है. मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, ठीक है? सो आंसर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लीज चेक फ्रेंड्स. सबसे पहले हमें वर्ड कौन सा दिया हुआ है, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर. वर्ड हमें दिया गया है पी आर ए टी आई के. सबसे पहला काम करना है फ्रेंड्स, ये जो अल्फाबेट्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. कहना इसे सबसे पहले ए आएगा, बोलते जाओ ए बी सी डी, और जो जो अल्फाबेट्स आते हैं उनको सेट करो. फिर आई आएगा, के, पी, आर, एंड देन फाइनली टी. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो भी वर्ड दिया हो उसको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स,
अगर आपने इसके सारे वर्ड्स बना के उसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया तो कैन आई से डिक्शनरी ऑर्डर में, यानी कि डिक्शनरी ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले ये पहला कैरेक्टर यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स दिखेंगे। बट कैन आई से फ्रेंड्स, हमारा टारगेट तो प्रतीक है, तो मुझे ए से स्टार्ट होने वाला एक भी वर्ड नहीं चाहिए। दैट इज वाई ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उनको हम लोग पास कर देंगे कि भाई ये सारे वर्ड्स नहीं चाहिए, जाने दो इनको आगे, उतने वर्ड्स को जाने दो। तो फ्रेंड्स ये काम हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए ए से स्टार्ट होने वाले पहले तो वर्ड्स कितने। फ्रेंड्स रिमेंबर, ए से स्टार्ट होने वाले इन टोटल, मैं बताता हूं आपको, ए से स्टार्ट होने वाले इन टोटल 5P5 वर्ड्स होंगे। थोड़ा स्पेस में पहले से रखता हूं यहां पे। ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, 5P5 यानी कि 120। यस स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा सर ये नहीं समझ में आया, ए से स्टार्ट होने वाले 5P5 यानी 120 वर्ड्स आप कहां से लेके आए। फोकस ओवर हियर, वर्किंग दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये टोटल 6 कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें फर्स्ट प्लेस पे ए, यानी कि जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि ए से स्टार्ट होने वाले, तो कैन आई से फर्स्ट प्लेस पे ए ही रखना है, तो बाकी के 5 प्लेस पे कैन आई से कोई भी सेट हो सकता है डिक्शनरी ऑर्डर में। तो 5P5 यानी कि टोटल 120 वर्ड्स मेरे कुछ काम के नहीं है क्योंकि वो सारे ए से स्टार्ट होते हैं। आई होप इट इज ओके टू एवरीवन। चलिए फ्रेंड्स, जब जैसे ही मैं डिक्शनरी का पेज टर्न करूंगा, नेक्स्ट जो वर्ड्स है वो आई से शुरू होंगे। फ्रेंड्स रिमेंबर, मेरा टारगेट तो पी है, जब तक वो नहीं आता तब तक मुझे सारे वर्ड्स को पास बोलना पड़ेगा। तो कैन आई से विद सेम लॉजिक, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आई रखता हूँ तो अगेन 5P5 वर्ड्स को मुझे पास कहना पड़ेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज के, इज ऑल्सो नॉट अंडर माई टारगेट, सो अगेन 5P5 वेज में। वाई 5P5 फ्रेंड्स, अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे के को रखता हूं तो रिमेनिंग 5 प्लेस पे आई कैन अरेंज बाय 5P5 वेज, तो ये 120 वर्ड्स को वापस से मुझे क्या कहना पड़ेगा, पास कहना पड़ेगा। लेकिन नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। अब कौन आया, पी। फ्रेंड्स क्या ये आपका रिक्वायरमेंट था, आपको आपके वर्ड के अंदर पी चाहिए था, वर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहला अल्फाबेट आपको पी चाहिए था, मिल गया। तो याद रखो कि अगर कोई अल्फाबेट कहीं पे हमें चाहिए और अगर वो मिल जाता है तो हमें क्लियरली 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, मैं ऐसे 4-5 एग्जांपल यहां पे करवाने वाला हूं, सो डोंट वरी एट ऑल, सब कुछ बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ बस यहां पर फोकस से देखते रहिए। सो पी कैरेक्टर मुझे चाहिए और वो मुझे मिल गया है, तो मैं 3 स्टेप फॉलो करूंगा। और हर बार फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड से आप ऐसे करोगे कि मुझे 3 स्टेप फॉलो करने, इसलिए क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप इसमें से कुछ भी स्किप ना करो। सो 3 स्टेप्स मुझे करने हैं। क्या 3 स्टेप्स है वो, सबसे पहले पी को यहां पे फ्रीज करो, क्योंकि जो वर्ड की आप बात कर रहे हो उसमें फर्स्ट प्लेस पे मुझे पी चाहिए ही चाहिए, तो पी को यहां पे फ्रीज करो, पहला काम। दूसरा काम, हमारे जो ये अल्फाबेट है उसमें से पी को कैंसल करो फ्रेंड्स। वाई, बिकॉज पी तो फर्स्ट प्लेस पे फ्रीज हो गया, तो अब ये पी हमें और किसी प्लेस पे काम नहीं लगेगा, इसलिए उसको कैंसल करो। एंड थर्ड टास्क फ्रेंड्स, आप जहां पे खड़े हो, जैसे कि आप अभी पी वाले अल्फाबेट पे खड़े हो, वहां से पूरा आगे आ जाओ, पूरा आगे आ जाओ। आगे मतलब क्या हुआ, अब मुझे फिर से कौन सा अल्फाबेट दिखेगा, ए। फिर से एक बार फ्रेंड्स, जैसे ही मुझे पी चाहिए था और पी मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, पी को फ्रीज करेंगे, ऊपर से लिस्ट में से कट करेंगे, और कट करने के बाद सीधा आगे आ जाएंगे। आगे आएंगे तो हमें कौन सा अल्फाबेट मिला, ए। अब क्या करना है, ए तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि जो मेरा वर्ड है उसमें से दूसरा अल्फाबेट आर है। तो फ्रेंड्स अगर ए नहीं चाहिए तो हम ऐसा ही काम करेंगे, देखें यहां पे ध्यान, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट पे तो पी फ्रीज हो गया है, तो अब इसके बारे में तो डिस्कशन नहीं करना है। सेकंड पे ए आया, अब वो मुझे नहीं चाहिए, तो सेकंड पे ए हो उससे शुरू होने वाले और कितने वर्ड्स हो सकते हैं, 4P4 वर्ड्स हो सकते हैं, उनको मुझे पास कहना पड़ेगा।
नाउ फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली होता कैसे है, मैंने पी फ्रीज कर दिया, ए मुझे चाहिए नहीं, तो आप एक काम करो इसको हाइड करके रखो, इस ए को हाइड करके रखो, तो कितने कैरेक्टर्स बचे, 1 2 3 4, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 4P4 24। फ्रेंड्स एक और बार देखेंगे मतलब नेक्स्ट में, तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट में क्या होगा। पी तो फ्रेंड्स फ्रीज है, उसके बाद लाइन में कौन आया, आई आया, मुझे आई भी नहीं चाहिए, आई नहीं चाहिए, तो आई को हाइड कर दो, आई को हाइड कर दो, आई को हाइड करके अब कौन से कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ए के आर टी, सही है। अब ये चार कैरेक्टर, अगर किसी को पी दिखता है तो ध्यान देना, पी हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, सो पी नहीं दिखना चाहिए, सो आई को छोड़ के रिमेनिंग चार कैरेक्टर कैसे करेंगे हम लोग, 4P4 वेज में, यानी कि 24। उसके बाद फ्रेंड्स पी तो फ्रीज है, नेक्स्ट क्या आया, के, फ्रेंड्स के भी मुझे नहीं चाहिए, के नहीं चाहिए, तो सेकंड प्लेस पे के हो, ऐसे चार वर्ड्स को अगेन आप लोग पास कर दो। उसके बाद पी तो फ्रीज है, अब क्या आया फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर आया, तीन काम, कौन से तीन काम, सबसे पहले मैं आर को फ्रीज करूंगा, अब यहां से नहीं जाने दूंगा, दूसरी बात मैं आर को यहां से कट कर दूंगा क्योंकि अब वो किसी और प्लेस के लिए अवेलेबल नहीं है, और फिर मैं स्टार्टिंग में पहुंच जाऊंगा, स्टार्टिंग में यानी अब कौन आएगा, ए। अरे फ्रेंड सरप्राइजिंग, मुझे तो ए भी चाहिए क्योंकि मेरा वर्ड दिमाग में ही होना चाहिए हमारे, मुझे तो ए भी चाहिए, तो ए को मैं फ्रीज करूंगा, तीन स्टेप कट करूंगा, और फिर आगे आ जाएंगे, आगे मतलब क्या मिलेगा, आई। फ्रेंड्स रिमेंबर मुझे आई नहीं चाहिए, तो अब आई को इग्नोर करके बाकी के सिर्फ दो ही कैरेक्टर बचे हैं, के एंड टी, सो कैन वी से फ्रेंड्स इट इज 2P2, यानी 2। फ्रेंड्स मैं बाकी का एग्जाम्पल यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, आपको तो यहां पे नीचे ही लिखते जाना है। नेक्स्ट चेक करिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पी आर ए, इतना तो फ्रीज है फ्रेंड्स, अब कौन आएगा आई के बाद, मेरे लाइन में आएगा के, के भी मुझे नहीं चाहिए, सो 2P2 से उसको भी पास करेंगे, पी आर ए फ्रीज रहेगा, फिर क्या आया, टी चाहिए हमें, इसको कट करो, आगे आ जाओ, तीन काम किया, टी को फ्रीज किया, कट किया, आगे आ गए, उसके बाद कौन मिला, आई, इसको भी फ्रीज करो, कट करो और आगे आ जाओ, और अब तो एक ही कैरेक्टर बचा है के, तो कैन आई से ये खुद भी एक वर्ड बना, अब इसका टोटल करना है फ्रेंड्स। Now friends, remember, ये जो वर्ड है उसका डिक्शनरी ऑर्डर रहेगा 637th वर्ड, और हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्ड्स इससे बनने वाला है 720, और 720 में से ये होगा 637। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये है हमारे टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 14। फ्रेंड्स रीड करो क्वेश्चन, कैसे वो लोग फ्रेम करने वाले हैं, अरेंजमेंट्स आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड यंग, मतलब यंग वर्ड के सारे लेटर्स को अरेंज करना है हमें, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स करने हैं, इफ ऑल दीज अरेंजमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, मतलब क्या हुआ, इन सबको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें, तो व्हाट विल बी द रैंक ऑफ वर्ड यंग, पता चल रहा है फ्रेंड्स आपको, जैसा मैंने आपको बताया था। चलिए सबसे पहले तो मुझे ये वर्ड लिखना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एबीसीडी वाइज जाएंगे, चलिए अरेंज करते हैं, एबीसीडी ई एफ जी, सबसे पहले आया ओ यू एंड वाई। फ्रेंड्स एक सजेशन दूंगा मैं आपको, ऊपर अगर 5 कैरेक्टर्स हैं तो नीचे आप इंटेंशनली काउंट कर लेना कि 5 कैरेक्टर्स आपने ले लिए कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी अरेंज करने जाते हैं, एक आध कैरेक्टर ही भूल जाते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर मेरे पास इतने ही कैरेक्टर्स है, यानी कि 5 ही कैरेक्टर है, तो मैं 5P5, जस्ट कीप इट इन योर माइंड, टोटल 120 वर्ड्स हो सकते हैं। अब ये 120 में से यंग वर्ड कौन सी सिक्वेंस पे या कौन से रैंक पे आएगा वो हमें फाइंड करना है, वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज वेरीफाई। सबसे पहले कौन आएगा, मैं डिक्शनरी ओपन करूंगा तो सबसे पहले पेज पे मुझे कौन मिलेगा, जी मिलेगा, जी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो जी के अलावा
जी तो फ्रीज हो गया। जी के अलावा कहना इसे बाकी के चार कैरेक्टर्स हैं तो 4P4 वेज में यानी कि 24। 4P4 पता है ना फ्रेंड्स, 4 × 3 × 2 × 1 24 वर्ड्स को हम लोग पास बोल देंगे। सेम वे फ्रेंड्स एन भी नहीं चाहिए तो 4P4 वेज में उनको भी पास बोल देंगे। ओ भी नहीं चाहिए फर्स्ट प्लेस पे तो 4P4 24 वर्ड्स। यू भी नहीं चाहिए तो 4P4 अगेन 24 वर्ड्स। और अब क्या आया वाई फ्रेंड्स, वाई इज अवर रिक्वायरमेंट। थ्री स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप वाई को फ्रीज करेंगे, मतलब वो यहां से अब नहीं हिल पाएगा। दूसरा स्टेप मैं वाई को कैंसिल करूंगा क्योंकि वाई इज नाउ नो मोर अवेलेबल फॉर एनी अदर प्लेस, ये ऑक्यूपाई हो चुका है फाइनली फ्रीज, इसको मैं हटा नहीं सकता, ठीक है। एंड थर्ड केस इज आगे आ जाओ, ठीक है। आगे आओगे तो आपको वापस से कौन मिलेगा, जी मिलेगा। फ्रेंड्स जी नहीं चाहिए मुझे, आप देखो ना आपका जो टारगेटेड वर्ड है उसमें सेकंड कैरेक्टर पे जी नहीं चाहिए मुझे। सो वाई तो फ्रीज हो गया, जी नहीं चाहिए। अब थ्री जो कैरेक्टर्स बाकी के बचे हैं उनके लिए 3P3 यानी 6 वेज, वाई एन एन भी अगेन नहीं चाहिए सो 3P3 यानी 6 वेज। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा साइड में करूंगा यहां पे। Y फ्रीज हो गया, अब N के बाद किसका नंबर आया, O चाहिए फ्रेंड्स, चाहिए तो तीन स्टेप फ्रीज करो, कट करो, आगे आ जाओ। आगे मतलब कौन आएगा, जी। जी अगेन नहीं चाहिए मुझे सो जी के अलावा अब तो दो वर्ड्स बचे हैं, कैरेक्टर्स बचे हैं, Y O N। N भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, N के अलावा दो कौन से बचे, G एंड U। आई होप यू आर लुकिंग एट द वर्ड, G एंड U बचे, वो 2P2 वेज में अरेंज हो सकते हैं सो 2 वेज। Y O अब कौन आया, U। U को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज कट, आगे आ जाएंगे। आगे आएंगे तो वापस से हमें G मिलेगा, वो हमें नहीं चाहिए तो रिमेनिंग ओनली वन कैरेक्टर सो 1P1। Y O U तो फ्रीज हो गया, अब क्या आएगा, N कट करो, आगे आ जाओ, G। कैन वी से फ्रेंड सम इज ओवर, यू हैव टू जस्ट मेक द टोटल ऑफ दिस, मैं आपको करके देता हूं। सी फ्रेंड्स 114, मैंने आपको जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि यही पांच कैरेक्टर की अगर हम लोग डिक्शनरी प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास टोटल वैरायटी हो सकती है 120 वर्ड्स, उसमें से यंग वर्ड वुड बी ऑन 114th प्लेस। यंग वर्ड किस पे होगा, 114th प्लेस पे होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 6.1, आपको पता होगा कि एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने लीव किए थे। मैंने आपको बताया था कि हमारा सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, हम एक एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। 6.1 में फर्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट पार्ट, इफ ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ पिंटू। इनफैक्ट हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, पिंटू वर्ड को अरेंज करना है। चलिए मैं लिखता हूँ PINTU, दैट इज अवर टारगेट। लेट्स अरेंज इट इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। डन, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई से शुरू होने वाले वर्ड्स उनको तो हमें पास बोलना पड़ेगा, वाई बिकॉज मेरा जो टारगेटेड वर्ड है वो तो पी से स्टार्ट होता है। सो आई से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने, कहना इसे आई को छोड़ दो बाकी के चार कैरेक्टर, सो 4P4 एंड दैट कम्स टू 24। देन फ्रेंड्स एन से स्टार्ट होने वाले वंस अगेन 4P4 24, लेकिन जब पी की बात आती है तो कहना इसे पी मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, कट करेंगे और आगे आ जाएंगे। आगे आएंगे तो आई आया, अरे वाह आई भी हमें तो चाहिए, तो आई में भी क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, कट करेंगे, आगे आ जाएंगे। आगे आएंगे तो क्या आएगा, एन, फैंटास्टिक, ऑटोमेटिकली अरेंज, एन भी मुझे चाहिए सो एन को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, कट, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, हमारा लिस्ट यहां पे, कट करेंगे और आगे आ जाएंगे। फ्रेंड्स आगे आने में क्या मिला, टी, टी भी हमें चाहिए तो टी फ्रीज करेंगे, कट करेंगे, आगे आ जाएंगे, और ये तो एक ही वर्ड। फ्रेंड्स वेरी इजी क्वेश्चन, इसका रैंक कौन सा बनने वाला है, 49th रैंक विल बी देयर फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में और एक सम दिया हुआ है, उसी में दूसरा नूरी करके वर्ड है,
फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई एन यू आर आई, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आई होप इट इज ओके टू एवरीवन। ओके मैं इसकी डिक्शनरी बनाऊंगा तो ये ओपन होगा आई से, आई मुझे फर्स्ट प्लेस पे चाहिए नहीं, तो थ्री पी थ्री वेज यानी कि क्या हो जाएगा, सिक्स वर्ड्स को हमें पास कहना पड़ेगा। उसके बाद एन आएगा, एन चाहिए फ्रेंड्स, फ्रीज करो, कट करो, आगे आ जाओ, आगे आएंगे तो वापस से कौन मिलेगा, आई, आई मुझे सेकंड प्लेस पे नहीं चाहिए तो कैन आई से टू पी टू भाई, बिकॉज हम लोग करते क्या है फ्रेंड्स, एन तो कट हो गया, आई मुझे चाहिए नहीं तो उसके अलावा और कितने कैरेक्टर्स बचे टू, वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, टू पी टू वेज में। एन आई के बाद मिला आर, आर भी नहीं चाहिए, सो रिमेनिंग कैरेक्टर इज टू पी टू। एन फिर मिला यू, यू चाहिए मुझे, फ्रीज कट आगे आ जाओ, आई नहीं चाहिए, सो वन पी वन। फ्रेंड्स यहां पे लिखता हूं एन फ्रीज यू फ्रीज, अब कौन आएगा आर, आर चाहिए मुझे, कट करो आगे आ जाओ, एंड आई भी चाहिए, तो ये कितना वन हो जाएगा, सो देर आर टोटल 12 वेज। आई होप इट इज ओके टू एवरीवन। वन मोर, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, उन्होंने हमें निरल वर्ड दिया हुआ है। फ्रेंड्स लेट मी राइट डाउन एन आई आर ए एल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा ए, आई, एल, एन एंड आर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ये तो आप लोग आराम से कर ही पाओगे। अब शुरू कहां से करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स फर्स्ट प्लेस पे मुझे ए नहीं चाहिए, तो ए के अलावा एक दो तीन चार फोर पी फोर हम उनको पास बोल देंगे। उसके बाद आई आएगा, आई भी फ्रेंड्स मुझे नहीं चाहिए तो 24। उसके बाद एल आएगा, एल भी मुझे नहीं चाहिए, वंस अगेन 24। फिर आएगा एन, एन चाहिए हमें, फ्रीज करो, कट करो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ यानी कौन मिलेगा वापस से, ए मिलेगा, नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स जो ए नहीं चाहिए उसको छोड़ दो, जो कट हो गया है उसको भी छोड़ दो, बाकी कौन बचा, आई एल एंड आर, कहने से तीन कैरेक्टर, सो थ्री पी थ्री यानी कि सिक्स। एन आई, आई को हम लोग कट करेंगे क्योंकि फ्रीज करो, कट करो और आगे आ जाओ। फिर कौन आएगा, ए, ए वंस अगेन हमें नहीं चाहिए, तो ए के अलावा और कितने बचे, टू पी टू यानी कि टू वेज। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, एन आई एल आया, एल भी हमें नहीं चाहिए फ्रेंड्स, सो टू पी टू टू वेज। एन आई, अब आया आर, आर चाहिए, आर फ्रीज करो, कट करो, आगे आ जाओ। फिर मिला ए, ए के लिए भी सेम थ्री स्टेप्स, फ्रीज करो, कट करो, आगे आ जाओ, एल। फ्रेंड्स वर्ड बन गया हमारा 83। डिक्शनरी ऑर्डर इसमें क्या आ जाएगा, 83। इज इट फाइन फ्रेंड्स, ऑल राइट। नाउ फ्रेंड्स आफ्टर डूइंग दिस मेनी एग्जांपल्स, और एक वर्ड टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है सुमन, एस यू एम ए एन। सबसे पहला काम क्या करोगे फ्रेंड्स, आप लोग उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे एंड उसके बाद आप लोग वो सम अपने आप करोगे। प्लीज प्रैक्टिस इट, होना ही चाहिए, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये था, दिस इज द एंड ऑफ डिक्शनरी ऑर्डर टॉपिक। इसके बाद वाले सेशन के अंदर हम लोग करेंगे रिपीटेड परम्यूटेशंस, ठीक है। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सारे जितने भी सम्स मैंने आपको करवाए वो सारे आपको अपने आप नोटबुक के अंदर करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।